दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, जो सिलेबस और फीस वह कितनी लगेगी ये सारी डिटेल है, कितनी वैकेंसी की जो पोस्ट है वो, और यहाँ पर नीचे आकर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, अगर आप नए यूज़र हो तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको सामने पूरी बेसिक डिटेल खुलकर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपने आधार कार्ड और आईडी ये वेरीफाई कर देना, नेम वगैरह मदर्स नेम ये सारी करके आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है मान लीजिए, तो आपको अपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने हैं, अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड याद नहीं है, आप भूल चुके हो, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। आपका जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और आप जो भूल गए थे पासवर्ड वह, तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी है वो और अपने मोबाइल नंबर दिए थे वो आपको दोनों टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा, दोनों में से एक ओटीपी आपको डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने देख सकते हो आपकी जो आईडी है रजिस्ट्रेशन वो, और यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, आपको न्यू पासवर्ड बना लेना है और आईडी को लिख लेना है। पर देख सकते हो सबमिट बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं, आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और यहाँ पर जो वापस से लॉगिन करने लगे, आपने जो कॉपी की थी आईडी यहाँ पर आपको दिखा दिया, आपके रजिस्ट्रेशन यूजर नेम है वो आपको दिखा दिया था, वो यहाँ पर डालना है और आपने जो अभी नए पासवर्ड बनाए थे वो यहाँ से आपको डाल लेना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको डिटेल है वो सारी जानकारी सही से भरनी होगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो हमारी सारी डिटेल है वो खुलकर आ चुकी हैं। अब आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर देख सकते हो वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। आपको ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ कर ये सो नो में जवाब देना है। मैं सेकेंड में भी यहाँ पर नो करूँगा और इसमें भी नो करूँगा। फिर यहाँ पर नीचे देख सकते हो सेंटर है, तीन आपको सेंटर चूज करने हैं, यानी जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर आना चाहिए। मैं यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज कर लेता हूँ, तीनों सेंटर मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिए हैं और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी मैं नो करता हूँ एक सर्विस मैन वाले में, और यहाँ पर नीचे की ओर आना है, फिर इस पर आपको नो कर देना है और यहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो, यहाँ पर आपको देखकर जैसे कि मैंने एमकॉम एमए एमएससी आपकी जो भी है बीए फाइनल है वो इनमें से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी 12वीं की डिटेल भरनी है, जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर होगी, सब्जेक्ट होगी, यानी कि जो आपके जो तीन सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको लिख लेने हैं, और दो हिंदी इंग्लिश तो आपको अनिवार्य सभी में रहते हैं, 12वीं में साइंस हो या आर्ट्स हो कॉमर्स हो कैसी भी हो, वो तीन सब्जेक्ट रहते हैं वो आपको भर लेना, और परसेंटेज और ये रहे वो भर लेना है। आपका एड्रेस नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो आपका जो 20 से 50 केबी के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 1 जून के बाद आपकी खींची हुई फ़ोटो होनी चाहिए, और इसके यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नीचे डेट वगैरह कुछ नहीं लिखनी है फ़ोटो पर, जो हम डेट लिखते थे, और जो सिग्नेचर है वो 20 से यानी कि 10 से 20 केबी के अंदर होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर एक ऐप दिखाई दे रहा होगा, इस ऐप से आप जैसे मान लीजिए आपकी फ़ोटो 120 केबी की है तो आप 120 से 10 केबी तक 5 केबी तक जितनी जाए इस ऐप के अंदर जाकर लिख दोगे तो आप बना सकोगे, ये आप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपलोड कर दिया सक्सेसफुली, यहाँ पर देख सकते हो इस पर आपको क्लिक कर देना 1 जून 2023 के बाद खींची हुई फ़ोटो यहाँ पर, और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर प्रीव्यू कर लेना है, यानी चेक कर लेना आपको कि आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं। आपके सामने आपकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर सबमिट बटन दिखाएगा, अगर एडिट कुछ करना है तो आप एडिट कर सकते हो, आपको सारी जानकारी देख लेनी है एक बार। फिर यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म प्रोजली एक्सेप्ट टू यू वांट प्रोसीड टू पेमेंट, अगर आप सीधा प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो, अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर यस पर आप क्लिक करोगे, जैसे यस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए पेमेंट मोड पर आपको ले जाया जाएगा, यहाँ पर SBI की नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से, या आप यहाँ पर देख सकते क्रेडिट कार्ड UPI के द्वारा सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप UPI पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ पर आपकी QR कोड और UPI ID के द्वारा भी आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड के द्वारा भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपकी सारी डिटेल हैं वो आ चुकी हैं और आपको पेमेंट कर देना है।
डिटेल आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है ताकि कोई भी गलती हो तो आप सुधार कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको करेक्शन है वो 200 से 300 रुपये आपको लग जाती है, इसलिए आप डिटेल संपूर्ण सही से चेक कर लेना।